फरार अक्षय बम को इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं, फिर बढ़ी तारीख। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए फरार भाजपा नेता अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से फिर राहत नहीं मिल सकी। शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई हुई, जो अब आगे बढ़ा दी गई है। नई तारीख 29 मई तय की है। इधर एक अन्य कोर्ट में धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बाकी है। दरअसल 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसी मामले में अक्षय बम ने दो अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। हाईकोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी, जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी। अग्रिम जमानत याचिका पर तारीख बढ़ गई है, जबकि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बाकी है। बता दें कि धारा 307 लगाए जाने के बाद अक्षय ने इंदौर सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था, जो कि खारिज हो चुका है। उसी के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था, वहां दूसरी बार सुनवाई आगे बढ़ गई है। अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 मई को होगी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कुछ देर में। 17 साल पुराने केस में अपने ऊपर धारा 307 बढ़ाने को लेकर अक्षय ने चुनौती दी है। इसके लिए ट्रायल कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर कर निवेदन किया है। इस पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई कुछ देर में हो सकती है। 17 साल पहले खजराना के जमीन विवाद में फायरिंग के हैं आरोप। 2007 के जमीन विवाद से जुड़े मामले के फरियादी यूनुस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था। इसमें फायरिंग, बलवा आदि के आरोप थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। इसी के खिलाफ यूनुस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था। पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राण घातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे। कोर्ट आने के बजाय बीजेपी नेताओं के साथ घूमते अक्षय। अक्षय और उनके पिता ट्रायल कोर्ट में 10 मई को गैर हाजिर रहे। सामाजिक और बीमारी का कारण बताकर दोनों ने हाजिरी माफी मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के आदेश हैं, लेकिन 14 दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इसके उलट पुलिस ने थाने के बजाय लाइन से अलग बल भेजकर अक्षय बम को सुरक्षा मुहैया करा रखी है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।